नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में जारी सियासी बवाल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच अगर बात करें तो फिलहाल काफी हद तक हालात अब सचिन पायलट के समर्थन में दिखते नजर आ रहे हैं, सचिन पायलट के पक्ष में दिखते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट, जी हाँ, अब उनके जो समर्थकों की संख्या है वो बहुत ज्यादा राजस्थान में एक्टिव हो चुकी है। राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात भी देखी गई है। तो राहुल प्रियंका का सचिन पायलट को समर्थन करना, सचिन पायलट का एक बहुत बड़े अंतर से ऊपर आना, ये तमाम तरह के हालात हैं जो इस वक्त ये बताते हैं कि वाकई में स्थितियां अब बहुत ज्यादा बदल रही है। स्थितियां अब काफी हद तक अलग होती नजर आ रही हैं। और तो और अगर हम बात करते हैं तो आने वाले समय में सचिन पायलट ही है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। खैर, अशोक गहलोत ने भी हार माननी शुरू कर दी। अशोक गहलोत को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी सचिन पायलट के साथ खड़ी है। अचानक राहुल और प्रियंका गांधी का झुकाव भी सचिन पायलट के साथ होना बहुत कुछ सियासी संकेत का इशारा करता है। आने वाले समय में शायद सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है, और सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाना यानी कि इसका पूरा फर्क आने वाले समय के चुनाव पर पड़ता नजर आएगा और युवाओं में खास संदेश भी दिखता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए, नमस्कार।